सो गाइस फाइनली हम लोग नाव में बैठ चुके हैं यार, दिन के पैदा कर लेंगे 100-200 नहर के साइड जो कि आपको निकालेगा रामापुर। अच्छा लग रहा है भाई ये, ये तो सही लग रहा है। ने इसको गिफ्ट करेंगे। वैसे इसमें है अभी बज रहे हैं 2 और हम भाई अभी छत पे आए हुए हैं और कुछ प्लान कर रहे हैं, क्योंकि अपना ये 100वां व्लॉग है तो इसको कुछ स्पेशल करने के लिए कुछ प्लान कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि मैं कुछ भूल रहा हूँ? अच्छा हाँ यार, मैं तो शारदा नगर में था, नाव पे बैठना था मेरे को, सो चलते हैं शारदा नगर। हिमांशु को कन्विंस कर रहे हैं पर हिमांशु बहुत डर रहे हैं, नाव तो आ चुकी है हमारी, उनको ले जाएंगे किसी तरह। ऐसा बैठ जाओ, तो बैठ चुके हैं हम लोग नाव में और शारदा की एक्सपीरियंस लेने वाले हैं। और बैठ जाओ, चलो अब मजा आएगा। तो गाइस फाइनली हम लोग नाव में बैठ चुके हैं और काफी अच्छा लग रहा है। हिमांशु बैठ चुके हैं हम लोग एक बार, भाई क्या फील आ रहा है यार, भाई यार यहाँ से पानी तेज लग रहा है। अरे यार दूर दूर तक पानी नजर आ रहा है, ये पानी गंदा क्यों है? ये अंदर से बालू वालू निकलती है क्या? अच्छा ओ अलग आसमां है ये। अब भाई मैं मगरमच्छ कर मत ना है साले तू। आ गया यार बोटिंग करके भाई, मजा आ गया। हिमांशु देखो हम लोगों ने फोटो भी क्लिक कर ली अच्छी अच्छी। कैसा रहा हिमांशु तुम्हारा एक्सपीरियंस? अच्छा रहा भाई। नाव पकड़ लेते यार, दिन के पैदा कर लेंगे 100-200। यहाँ पे मेला लगना स्टार्ट हो गया, यहाँ पे थोड़ा चाट पकौड़ी वाला है, यहाँ पे लोग टूरिस्ट वगैरह आते हैं, यहाँ पे रुकते हैं थोड़ी देर के लिए, सही है काफी। तो गाइस फाइनली अपना तो हो गया यहाँ का, अब हम लोग निकल रहे हैं। काफी देर यहाँ पे रुक लिए और बोटिंग वगैरह कर ली, काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा यार। लखीमपुर वालों के लिए यही यार एक तरीके से टूरिस्ट स्पॉट है, तो यार कोई दिक्कत नहीं यार, भाई आ सकते हो अपना फैमिली के साथ में, फैमिली वगैरह आ दी है अच्छे से, यहाँ पे सब खाने पीने का स्नैक वगैरह यहाँ पे ले सकते हो और एंजॉय कर सकते हो अपने साथ। और बोटिंग है सबसे मेन बात, तो है बोटिंग यार, यार रिवर की जो बोटिंग है ना काफ़ी कितनी सही है। शारदा बैराज सिंचाई एवं जल विभाग उत्तर प्रदेश आपका हार्दिक स्वागत करता है, सिंचाई खंड। क्या बात है, लेट्स गो। गाड़ी हम लेके आए थे और लेके भी जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग पार कर रहे हैं, यहाँ पे बाजार लगी है यार कुछ गांव की, तो एक रास्ता ये भी जाता है नहर के साइड साइड जो कि आपको निकालेगा रामापुर, रामापुर से लारपी। और हम लोग चल रहे हैं अब वापस लखीमपुर। लेट्स गो, गो ब्रो। सो गाइस काइंड ऑफ हम लोग पहुंच चुके हैं लखीमपुर, क्योंकि भाई हम लोग पीछे से इंटर कर रहे हैं क्या कहते हैं इसको, हिदायत नगर से हम लोग इंटर कर रहे हैं, फिर जाएंगे मिश्रा चौकी, फिर जाएंगे खपरेला और जाएंगे कपड़े वपड़े खरीदने के लिए जो हम लोग खरीदे नहीं थे। तो लस्को चलते हैं। इमली चौराहे पे इमली का पेड़ लगा हुआ है। सो यहाँ पे दामोदर के समोसे काफ़ी फेमस समोसे होते हैं आगे भाई, काफ़ी बड़ा साइज होता है। सो हम चल रहे हैं बड़े चौराहे की तरफ जहाँ पे हम लोग को ले रहे हैं खपरेले में शॉपिंग कॉपिंग करनी है विंटर्स की। लस्को हाँ ये अबे कितनी बड़ी बिल्डिंग है यार। तो हम पहुंच गए अपनी डेस्टिनेशन पे। सो फाइनली हम कुछ ऐसे लग रहे हैं इतना ट्रैवल करके, भाई बाइक भी चला के, बाइक कैसे होता है चलते हैं। मेंस वेयर ऊपर है, चलो अच्छा लग रहा है भाई, ये तो सही लग रहा है, प्यारा लग रहा है। और एक और चीज भी है, ये तो डन कर लेंगे शायद अभी। ये कहाँ था यार? ये ऊपर रखा है। लेकिन ये भी हुडी ली है, एकदम फर्स्ट क्लास, बहुत मस्त लग रही है यार, कभी तो पहनूंगा ब्लॉग में, आप देख लें आगे। वहाँ पे भाई ऑल टोटल सब विंटर वाली शॉपिंग चल रही है आजकल, सब विंटर का माल लगा हुआ है। ये हम लोग ने इतनी सारी देखी है तब जाके हमें 2 पसंद आई हैं। सो इसका पेमेंट करते हैं, फिर चलते हैं घर।
हिमांशु भी थक गए हैं, हम भी थक गए हैं, इतनी दूर से आ रहे हैं। हमारा हो गया है, मस्त लग रहे ना। क्या हुआ? फाइनली हम लोगों ने शॉपिंग वगैरह कर ली है विंटर की। अब हम लोग चल रहे हैं हिमांशु को छोड़ने हिमांशु के घर, फिर वहाँ से हम लोग पकड़ेंगे अपने ओएल का रास्ता और ओएल चलेंगे। फाइनली इट्स टाइम टू से बाय टू हिमांशु। हिमांशु बहुत टाइम हो गया है, चलते हैं अब। इनके हाथ में कुछ, अबे इसमें क्या है? इसमें कुछ नहीं है। यहाँ पे आर्यन साइकिल चलाते हुए, आर्यन कुछ कंटेंट दो हमें। नहीं सो गाइस, फाइनली हम लोग हिमांशु घर से आ गए थे और ये दूसरा दिन है वैसे। सो अब हम लोग चल रहे हैं मेन काम के लिए अपने, इसको गिफ्ट करेंगे। वैसे इसमें है जो मैंने पहना हुआ एग्जैक्टली अभी, ये है इसमें, क्योंकि जब मैंने ये लिया था तो मैंने एक और खरीद लिया, दो खरीदे थे, एक मतलब देने के लिए ऐसे खरीद लिया था, बट मैंने कुछ सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। सो मैंने कुछ पहले प्लान नहीं किया था इसको मतलब ऐसे दिखा के देने का, बट 100 व्लॉग जब आया तो मैंने कहा इसको दे ही देते हैं ऐसे, मतलब व्लॉग में भी स्पेशल व्लॉग हो जाएगा। सो या चलो चलते हैं इसको देने। मैगी आ गई है, मसाला मैगी। राहुल उठाओ यार।